आप इस समय 390 वाराणसी कंटोनमेंट विधानसभा क्षेत्र में हैं। मैं इस क्षेत्र का आरओ हूं। हमारे यहां 458 बूथ हैं, जिसमें अभी तक 257 बूथों की सामग्री, मतदान सामग्री जा चुकी है। इस स्थल से मतदान पार्टियों की रवानगी होनी है तथा वापसी मतदान सामग्री ईवीएम की पहाड़िया मंडी में कल शाम को होगी। व्यवस्था में, क्योंकि यहाँ पर केवल डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य हो रहा है, तो काउंटर के माध्यम से यहाँ पर 15 काउंटर लगाए गए हैं। प्रत्येक काउंटर पर 30-30 बूथों की व्यवस्था है, एक काउंटर पर 30 की व्यवस्था है, उन्हीं के माध्यम से वितरण की व्यवस्था हो रही है। और हमारे कॉलेज के वितरण स्थल के जस्ट बगल में ही वो गाड़ी वाहनों का पार्किंग स्थल है, जहाँ से पार्टियाँ रवाना होकर जाएगी। मतदाताओं से यही सभी से अपील है कि कल सभी लोग शत प्रतिशत मतदान में भाग लें और जो लोकतंत्र के पर्व में सफल बनाए। मतदाताओं को क्या क्या चीजें पोलिंग बूथ पर ले जानी है? मतदाता को यदि उसके पास अपना मतदाता पहचान पत्र है तो उसे ले उसको ले जाए, अवश्य ले जाए। यदि किसी कारण से उसके पास वो उपलब्ध नहीं है तो ऐसा कोई भी सरकारी अभिलेख जिसमें उसकी फोटो लगी हुई है, प्रमाणित है, जैसे राशन कार्ड हो सकता है, यदि वो कहीं सेवा में है तो उसका आई कार्ड जारी है, पासपोर्ट है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, अन्य जो भी सरकारी अभिलेख है जिसमें उसकी फोटो हो, उसके साथ वो मतदान कर सकता है। देश का सबसे बड़ा सूबा सुना रहा है अपना फैसला। आ रहे हैं यूपी और चार अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे। इन नतीजों से जुड़ी हर बात, सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचेगा। 10 मार्च को दिन भर जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।